कुछ क्वेश्चन मैंने आज पिक किया है, तो आप लोग को आंसर कर दूंगा CUET से रिलेटेड। तो अभी हम लोग एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन करने आए थे और हमने मंगा लिया छोले भटूरे, चिली पटेटोस और ये कोल्ड ड्रिंक माजा। तो पीते हैं, खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम जा रहे हैं, तो हमने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा लिया। अभी भी लोग करवा रहे हैं कॉलेज में एग्ज़ाम। 9 बज रहा है, आप टाइम देखो, लोग कितना देख लिया ना। तो फिलहाल हम डायरेक्ट जा रहे हैं C7। 2 बजे से हैं इनके साथ, 2 या 2:30 बजे से पेपर है। हमारा पेपर ऑलरेडी हो चुका है मॉर्निंग में, 9 से 12 का पेपर था। ऐसे ऐसे होता है, बैठे रहते बच्चे। हम भी जाते हैं, B15 है हमारा क्लासरूम है। 9 बज चुका है एज यूजुअल, 1 मिनट बचा है, आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम। सब यहाँ बैठते हैं ऐसे, मतलब डिस्कस करते हैं, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं और चलते हैं अपने क्लास। एंड फोकस हमारा रहेगा, एक्चुअली आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम था तो हमने दे दिया है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि इतना ईजी होता नहीं है। तो सीन अभी ऐसा है कि हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बुक है, उसको हम रिटर्न करेंगे। यहीं तक साफ सफर अपना। क्वेश्चन मैंने आज पिक किया है, तो आप लोग को आंसर कर दूंगा CUET से रिलेटेड। एंड जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, अभी जस्ट हमारा सेम टू का एग्ज़ाम हुआ है, पहला पेपर था जी का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था एंड ठीक था, ओवरऑल सही गया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है जानवी वर्मा का, क्वेश्चन ये है कि लाइक 680 आउट ऑफ 800 है और कैटेगरी OBC है, इनको थर्ड राउंड तक BCOM ऑनर्स मिल जाएगा। तो जी हाँ, मिल जाएगा आपको, साउथ कैंपस में बहुत चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। टॉप नोच कॉलेज मिल सकता है कि नहीं इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विक जी का, उनका क्वेश्चन ये है कि लाइक उनका CUET स्कोर है 500 आउट ऑफ 800, तो क्या NDU में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा? एंड इनका जो कैटेगरी है OBC है, तो चांसेस है नो डाउट चांसेस है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। एंड ऑफ कैंपस में मिल सकता है, और OBC है तो लाइक कैटेगरी है तो थोड़ा बहुत चांसेस है, लाइक जनरल का तो नहीं होता, अगर जनरल से होता तो नहीं होता, लेकिन OBC है तो इसलिए चांसेस है आप अप्लाई करना, देयर इज चांस कि आपको ऑफ कैंपस में मिल जाए, तो एक बार देख लेना। तो एक और भाई का क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उन्होंने पूछा है कि लाइक कितने फीस होते हैं। तो मेरा जो कॉलेज है, हर कॉलेज का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर होता है। एक मैं इन फ्यूचर मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, जिसमें लाइक एक आइडिया मिल जाएगा कि रफली कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, पर कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन जो शहीद भगत सिंह जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, इसका एवरेज फीस जो है वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में, इसके बीच में आपसे लिया जाता है एक ईयर में। 2 सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर का फीस इतना होता है। तो निखिल कश्यप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका सवाल ये है कि लाइक उनका 695 आया है, 695 प्लस स्कोर आ रहा है, तो क्या उनको नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा? इनका कैटेगरी है OBC, तो थोड़े चांसेस तो हैं कि आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑनर्स हमारे शहीद भगत सिंह में जो है उसका हाईएस्ट कट ऑफ गया था 770, ठीक है, 770 गया था, लोएस्ट कट ऑफ गया था 680 समथिंग गया था, जितना मेरे को पता चला है। तो एक बार आप देख लेना, मेरे लिए चांसेस है, लेकिन साउथ में मिल जाएगा, नो डाउट साउथ में आपको मिल जाएगा। यानी समीर शर्मा का, इनका क्वेश्चन ये है कि लाइक ये जनरल से हैं एंड इनका CUET स्कोर 730 प्लस आ रहा है, तो इनका सवाल है कि क्या इनको साउथ कैंपस के कॉलेज मिल जाएंगे 730 प्लस में? तो जी हाँ, आपको साउथ कैंपस के कॉलेज मिल जाएंगे, प्रेफरेंस अच्छे से शेड करना, ठीक है, प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। तो मिल जाएंगे आपको जनरल में भी हैं तो, BCOM ऑनर्स, BCOM प्रोग्राम, जो भी आपको चाहिए होगा मिल जाएंगे। 805 नंबर है इनका और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या इनको BCOM ऑनर्स
या बी कॉम प्रोग्राम मिल जाएगा शहीद भगत सिंह में, तो जी हाँ चांसेस तो हैं कि लाइक आपको मॉर्निंग में तो मिल जाएगा चांसेस है, और बाकी प्रेफरेंस आप अच्छे से भरिए और कट ऑफ कम गया तो देयर इज़ हाई चांस कि आपको ऑनर्स भी मिल जाए। बी कॉम प्रोग्राम तो मिल जाएगा, बी कॉम ऑनर्स भी मिल सकता है, कैटेगरी होता तो ज़्यादा चांस था, लेकिन 705 में मिल सकता है जनरल में भी। विका का मतलब मैंने नाम सही से लिया, अगर गलत हो तो बता देना। तो उनका क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ऑनर ऑनर्स जनरल कैटेगरी में क्या कट ऑफ दिया था, वो है 680। 680 में जनरल का कट ऑफ दिया था इंग्लिश ऑनर्स में, तो अगर आपका 680 है जनरल में तो आपको मिल जाएगा। और अगर OBC ST वगैरह से हैं तो यार 30 से लेकर 50 माइनस प्लस कर लो। साहिल स्वामी का नेक्स्ट सवाल, साहिल स्वामी का ये पूछ रहे हैं कि BA हिंदी ऑनर्स के लिए कितना स्कोर चाहिए होगा इवनिंग के लिए, तो मॉर्निंग का उन्होंने बताया कि 650 to 620 है जनरल कैटेगरी का मॉर्निंग, और इवनिंग का आपका चाहिए तो और भी आप थोड़ा बहुत कम कर लेना, लाइक 30 to 50 कम कर लोगे तो उतना में मिल जाएगा। एंड बस यही है अभी के लिए। बाकी अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपका जो भी डाउट हो उसको मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। एंड बाकी फिर देखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।